चमचा युग का पहला अध्याय प्रारंभिक प्रयास का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। इस पार्ट में मैं भाग एक का दूसरा अध्याय आंबेडकर का उत्थान को पढ़ूंगा। आंबेडकर का उत्थान। हमारे इतिहास के इस चरण में जब भारत में हर कहीं अछूत लोग छुआछूत और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थे, तब 1917 में कांग्रेस को अछूतों के अनुकूल एक प्रस्ताव पारित करना पड़ा। अछूतों की बढ़ती जागरूकता के साथ युगों पुरानी गुलामी के खिलाफ विद्रोह करने की इच्छा प्रकट होती जा रही थी। भारत में हर कहीं वे अधिकाधिक मुखर हो रहे थे। समय बीतने के साथ दलित वर्गों और ऊंची जातियों के हिंदुओं के बीच शत्रुभाव तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसी दौर में 1919 में मिस्टर गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और लगभग तुरंत ही कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाने से मिस्टर गांधी का काम बहुत आसान हो गया। इस समय तक कांग्रेस अधिकतर ब्राह्मणों का गढ़ी थी, किंतु गांधी जी के उत्थान के साथ ही यह एक विशाल ब्राह्मण बनिया संगठन बनकर रह गई। ब्राह्मणों के दिमाग और बनियों के पैसों ने इसे एक जबरदस्त ताकत बना दिया। अछूतों के बागी तेवर और मुद्राओं को देख उन्होंने भ्रम पैदा करने शुरू कर दिए और उन्हें तमाम तरह की सलाह देने लगे। अपने मुखपत्र यंग इंडिया के 20 अक्टूबर 1920 के अंक में उन्होंने अछूतों को निम्नलिखित सलाह दी, जिन्हें वह उस समय पंचम वर्ग कहते थे। सलाह इस प्रकार है, तब अंत में स्वसहायता और स्वनिर्भरता रह जाती है और यही असहयोग का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करके पंचम लोग तब तक अन्य हिंदुओं के साथ सारे अनुबंध और संबंध रोक सकते हैं जब तक विशेष शिकायतें जारी रहती हैं, किंतु इसका मतलब होता है संगठित बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, पंचमों में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उन्हें असहयोग के माध्यम से विजय की ओर ले जा सके। हाँ, गांधी जी को अछूतों के बीच इस स्तर की बुद्धिमत्ता और दमखम वाला कोई नेता नहीं दिखाई दिया, किंतु उसी दौरान अछूतों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कोल्हापुर के साहूजी महाराज ने उनके नेता और मुक्तिदाता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को उनसे परिचित कराया। साहूजी महाराज की राय थी कि डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें युगों पुराने बंधन से मुक्त कराएंगे, उनके कष्टों का अंत करेंगे और उनके लिए एक मिशन और आंदोलन खड़ा करेंगे। इसके लिए अछूतों को सलाह दी कि वे अपने नेता और मुक्तिदाता के रूप में तो डॉक्टर अम्बेडकर की ओर देखें ही, साथ ही उनके साथ सहयोग भी करें। आज पीछे मुड़कर देखते हुए हम बेखटके यह कह सकते हैं कि गांधी जी को अछूतों की बढ़ती शक्ति का ज्ञान नहीं था, जबकि स्वयं एक गैर ब्राह्मण नेता कोल्हापुर के साहू जी महाराज को न केवल उसका ज्ञान था बल्कि उनमें आने वाली घटनाओं के सही सही पूर्वानुमान की दृष्टि भी थी। बहरहाल, कोई देख पाया होगा या न देख पाया हो, डॉक्टर अम्बेडकर का उत्थान अछूतों के नेता के रूप में हो चुका था और वह उन्हें आने वाली गतिविधियों और कार्यों के लिए संगठित करने में अत्यंत व्यस्त थे। मिस्टर गांधी की तरह उन्होंने भी दलितों के मसलों को आगे बढ़ाने के लिए बे आवाज़ों की तरफ से बोलने के लिए अपना अलग मुखपत्र मूक नायक शुरू कर दिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट शुरू किया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने कई संघर्ष चलाए। इन संघर्षों के माध्यम से वह अछूतों के निर्विवाद नेता बन गए और अंबेडकर 1930-31 के गोलमेज सम्मेलनों में उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त कर लिया। विडंबना यह रही कि उन गोलमेज सम्मेलनों के दौरान अछूत नेतृत्व की बुद्धि और दमखम की परीक्षा गांधी जी को लेनी थी और अपने आप को आश्वस्त करना था कि आवश्यक नेतृत्व का उत्थान सचमुच डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में और आकार में हो गया है। इस पुस्तक के लिए प्रासंगिक नेतृत्व की क्षमता और दमखम की शेष कहानी उन दो गोलमेज सम्मेलनों के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत दो ज्ञापनों के माध्यम से कही जा सकती है। उन दो ज्ञापनों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्ञापन का पाठ, दिनांक 12 नवंबर 1930। स्वशासी भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों के राजनीतिक संरक्षण की योजना जो भारतीय गोलमेज सम्मेलन को प्रस्तुत की गई। दलित वर्ग जिन नियमों और शर्तों पर स्वशासी भारत में बहुमत के शासन के अधीन रहने को सहमत होंगे वे इस प्रकार हैं। शर्त संख्या एक, समान नागरिकता। दलित वर्ग वंशानुगत दासता की अपनी वर्तमान स्थिति में बहुमत के शासन के अधीन रहने को सहमत नहीं हो सकते,
बहुमत का शासन स्थापित होने से पहले छुआछूत की व्यवस्था से उनकी मुक्ति एक वास्तविकता होनी चाहिए। इसे बहुमत की इच्छा पर न छोड़ा जाए, दलित वर्गों को स्वतंत्र नागरिक बनाया जाए, जिन्हें राज्य के अन्य नागरिकों के बराबर नागरिकता के सभी अधिकार दिए जाएं। छुआछूत को समाप्त करने और समान नागरिकता की स्थिति पैदा करने के लिए यह प्रस्तावित है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में शामिल किया जाए। भारत में राज्य के समस्त प्रजाजन कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी विद्यमान अधिनियम, विनियम, आदेश, प्रथा, कानून की विवेचना जिसके द्वारा कोई जुर्माना, असुविधा, अयोग्यता थोपी जाती है अथवा छुआछूत के कारण राज्य के किसी भी सदस्य के साथ कोई भेदभाव किया जाता है, वह संविधान लागू होने के दिन से भारत में निष्प्रभावी हो जाएगा। अधिशासी अधिकारियों को भारत सरकार के अधिनियम की धारा 110 और 111 के अंतर्गत प्राप्त छूट और उन्मुक्तियों को समाप्त करना और यूरोपीय ब्रिटिश नागरिक के समान ही उन्हें भी अधिशासी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। शर्त संख्या 2, समान अधिकारों का मुक्त उपभोग। दलित वर्गों के लिए समान अधिकारों की घोषणा होने का कोई लाभ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि दलित उपभोग करने का प्रयास किया तो उन्हें पुरातन पंथी समाज की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दलित वर्ग यह सोचते हैं कि यदि अधिकारों की उन घोषणाओं को मात्र पवित्र घोषणाएं बनकर ही नहीं रह जाना बल्कि दैनिक जीवन की वास्तविकताएं बनना है तो फिर उन्हें पर्याप्त प्रयास और दंड के माध्यम से इन घोषित अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप रोकना होगा। इसलिए दलित वर्गों का प्रस्ताव है कि अपराध क्रम और दंड से संबंधित भारत सरकार के अधिनियम 1919 के भाग 11 में निम्नलिखित धारा को जोड़ा जाए। नागरिकता के अतिलंघन का अपराध। जो व्यक्ति सभी वर्गों पर लागू कानून और छुआछूत की किसी पूर्व स्थिति के होते हुए भी इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को निवास, लाभ, सुविधाओं, सरायों, शैक्षणिक संस्थानों, सड़कों, मार्गों, गलियों, तालाबों, कुओं और अन्य जलाशयों के विशेषाधिकारों, सार्वजनिक सड़क, वायु अथवा जल परिवहन, थिएटर अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, विश्राम स्थलों के पूर्व उपयोग से रोकता है, चाहे वे जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित अथवा प्रबंधित अथवा लाइसेंस प्राप्त हों, तो वह 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का भी भागी होगा। दलित वर्गों के द्वारा उनके अधिकारों के शांतिपूर्ण उपभोग की राह में पुरातन पंथियों द्वारा डाली गई बाधा एकमात्र समस्या नहीं है। सर्वाधिक आम किस्म की बाधा सामाजिक बहिष्कार है। पुरातन पंथी वर्गों के हाथ में सबसे ज़बरदस्त हथियार है जिसका इस्तेमाल करके वो दलित वर्गों को ऐसी किसी भी गतिविधि का प्रयास करने से रोक देते हैं जो उन्हें रास नहीं आती। यह हथियार जिस तरह से काम करता है और जिस अवसर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है उनका अच्छा विवरण 1928 में बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त समिति आदिम जनजातियों और दलित वर्गों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जाँच करना और उनके उत्थान के उपायों की सिफारिश करना। यहाँ हम उस रिपोर्ट का एक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार। हालांकि हमने दलित वर्गों को समस्त सार्वजनिक सुविधाओं पर उनके अधिकार देने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है, फिर भी हमें डर है कि उनके द्वारा उन सुविधाओं का उपयोग करने की राह में भी अभी एक लंबे समय तक कठिनाइयां रहेंगी। पहली कठिनाई है पुरातन पंथियों वर्गों द्वारा उनके विरुद्ध खुली हिंसा का डर। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दलित वर्ग प्रत्येक गांव में अत्यंत अल्प संख्या में हैं, जिसके विपरीत वे पुरातन पंथी बहुत बड़ी संख्या में हैं जो अपने हितों और सम्मान को किसी भी कीमत पर दलित वर्गों के किसी भी संभावित अतिक्रमण से बचाने पर आमदा हैं। पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के खतरे ने पुरातन पंथी वर्गों द्वारा हिंसा के प्रयोग को सीमित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप इस तरह के मामले बहुत ही कम हैं। दूसरी कठिनाई उस आर्थिक स्थिति की देन है जिसमें दलित वर्ग आज पाए जाते हैं। प्रेसिडेंसी के अधिकांश हिस्सों में दलित वर्गों के पास कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। कुछ दलित गैर मौरूसी काश्तकारों की हैसियत से पुरातन पंथियों की भूमि को जोतते हैं। अन्य दलित पुरातन पंथी वर्गों द्वारा नियुक्त खेतिहर मजदूरों के तौर पर अपनी कमाई पर निर्वाह करते हैं और शेष दलित ग्राम सेवकों के नाते उन्हें मिले भोजन अथवा अनाज पर निर्वाह करते हैं। हमने ऐसे अनेक उदाहरण सुने हैं जिनमें पुरातन पंथी वर्गों ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में अपने गांव के उन दलित वर्गों के खिलाफ किया है जब उन दलितों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का साहस किया है और उन्हें उनकी भूमि से बेदखल किया है और उनका रोजगार बंद कर दिया है और ग्राम सेवकों के नाते उन्हें मिल रहे पारिश्रमिक को रोक दिया है।
इस बहिष्कार को अक्सर इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है कि उसमें दलित वर्गों को साझा उपयोग के मार्गों का इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है और गांव का बनिया उन्हें ज़रूरत का सामान देना बंद कर देता है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कभी कभी छोटे छोटे कारण भी दलित वर्गों के बहिष्कार की घोषणा के लिए पर्याप्त होते हैं। अक्सर तो यह दलित वर्गों द्वारा साझा उपयोग इस्तेमाल के अधिकार का उपयोग करने पर होता है, किंतु ऐसे मामले भी कम नहीं हैं जहां कड़े बहिष्कार की घोषणा केवल इसलिए कर दी गई कि दलित वर्ग के किसी व्यक्ति ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद ली, अच्छे कपड़े अथवा गहने पहन लिए या दूल्हे की घोड़ी पर बैठकर सार्वजनिक रास्ते से बारात निकाली। हमें इस सामाजिक बहिष्कार से अधिक असरदार ऐसे किसी हथियार की जानकारी नहीं है जिसे दलित वर्गों के दमन के लिए ईजाद किया गया हो। इसके आगे तो खुली हिंसा का तरीका भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि इसका असर अत्यधिक दूरगामी और घातक होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह अनुबंध की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुकूल एक कानून सम्मत तरीके के रूप में चल जाता है। हम इस बात से सहमत हैं कि बहुसंख्यकों के अत्याचार को सख्ती से समाप्त करना चाहिए, तभी हम गरीबों को उनके उत्थान के लिए आवश्यक वाणी और कर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दे पाएंगे। दलित वर्गों की राय में उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं की राह में आने वाली इस प्रकार की बाधा को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि सामाजिक बहिष्कार को कानून द्वारा दंडनीय अपराध माना जाए। इसलिए वे यह आग्रह करने को बाध्य हैं कि वे भारत सरकार के अधिनियम 1919 के भाग 11 में शामिल अपराध प्रक्रम और दंड से संबंधित धाराओं में निम्नलिखित धाराओं को भी जोड़ें। बहिष्कार के अपराध की परिभाषा। नंबर एक, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करने का अपराध माना जाएगा जब वह दूसरे व्यक्ति को कोई मकान या जमीन किराए पर देने या प्रयोग में लेने या उस पर काबिज होने से अथवा उसके साथ व्यापार करने या भाड़े पर काम करने या उसके साथ कारोबार करने या उससे कोई सेवा लेने या देने से मना करता है या ऐसे किसी भी कथित कार्य को उन शर्तों पर करने से मना करता है जिन पर ऐसे कार्य सामान्य स्थिति में किए जाने चाहिए अथवा ऐसे सामाजिक व्यावसायिक अथवा कारोबारी संबंधों से दूर रहता है जिन्हें वह संविधान में घोषित किए किसी मौलिक अधिकार अथवा अन्य नागरिकता अधिकारों के अनुकूल समुदाय में विद्यमान प्रथाओं का सम्मान करते हुए सामान्य स्थिति में उस व्यक्ति के साथ रखता अथवा किसी भी तरीके से ऐसे दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके कानून सम्मत अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करता है, उसे चोट पहुंचाता है अथवा अप्रसन्न करता है। बहिष्कार का दंड। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई काम कर दिए जाने के कारण जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार था या ऐसा कोई काम नहीं करने के कारण जिसे नहीं करने का उसे कानूनी अधिकार था, दूसरे व्यक्ति से ऐसा काम करवाने के उद्देश्य से जिसे करने के लिए वह कानून द्वारा बाध्य नहीं है अथवा ऐसा काम नहीं करने देने के उद्देश्य से जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार है अथवा संपत्ति के स्तर पर या उसके कारोबार या आजीविका के साधन में नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का जिसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि है बहिष्कार करता है तो वह 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों का भागी होगा। उस सूरत में धारा के अंतर्गत कोई अपराध नहीं हुआ माना जाएगा। यदि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अपराधी आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति के उकसाने पर अथवा उसके साथ मिलकर अथवा किसी साजिश या समझौते के तहत मिलजुल कर यह काम नहीं किया है। बहिष्कार के लिए उकसाने अथवा बढ़ावा देने का दंड। जो भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर प्रस्ताव रखता अथवा प्रकाशित अथवा प्रसारित करता है या ऐसे किसी बयान अफवाह या खबर को बनाता छापता या प्रसारित करता है जिसमें उसका उद्देश्य बहिष्कार है अथवा उसे विश्वास है कि उसके बहिष्कार को बढ़ावा मिल सकता है या जो बहिष्कार का कारण बन सकता है या अन्य किसी तरीके से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के बहिष्कार को उकसाता अथवा बढ़ावा देता है वह 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों का भागी होगा। व्याख्या। इस धारा के अंतर्गत अपराध का होना माना जाएगा भले ही यहाँ उल्लिखित इसमें के किसी भी व्यक्ति कृत्य से प्रभावित होने की संभावना रखने वाले अथवा प्रभावित हो चुके व्यक्ति का नाम अथवा वर्ग न बताकर इस ढंग से बर्ताव करने अथवा नहीं करने का उल्लेख किया गया हो।